हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो आज ये क्या बना रहा है, कुछ स्पेशल बना रहा है तो वही दिखाती हूँ आपको। ये बना रहा है चिकन फ्राई। क्या किया आपने वो पीछे, ये क्या है, यहाँ पर रख दिया? हाँ, चिकन फ्राई बनाया है। और यार बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, दिखाओ एक मिनट। ये देखो इस तरह से। हाँ, मैं पूरा दिखाती हूँ आपको क्या क्या चल रहा है यहाँ पे तो। और हाँ, अभी कितने बजे हैं? 10 बजे है। 10 बजे है यार, इतना लेट। क्योंकि पहले डिसाइडेड नहीं था ये सब कुछ, बट इन्होंने टाइम पर ये सोचा कि ये बनाएंगे करके, और फिर रेडी है तो बन भी रहा है। जो बन रहा है वो आपको दिखाती हूँ। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। देखो चिकन फ्राई बन रहा है यहाँ पे, बहुत टेस्टी चिकन फ्राई बनाते हैं ये। अरे वाह 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 वाह, देखने से ही मुंह में पानी आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर लेग्स बन रहा है और ये बनाया हुआ है। मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा है उसे। बाहर दिखा रही ना? हाँ, मैं उधर बैठी थी एक्चुअली, ये ही बनाते हैं ना, तो इसी वजह से मैं उधर बैठी थी। और यहाँ पर आई तो बाप रे खुशबू। सच में बहुत ज्यादा टेस्टी बना है, मैंने खा के देखा, थोड़ा सा अच्छा लगा है। चलो देखो। हाँ, आप भी आ जाओ खाने के लिए। हाँ चलो, आप भी आ जाइए खाने के लिए, बुलाइए ना, आप भी आ जाओ। सब आ जाइए खाने के लिए। और यहाँ पर ये मैरिनेट करके रखा है इन्होंने, तो अब ये सारा फ्राई होगा और फिर हम लोग साथ में मिल के खाएंगे टेस्टी वाला चिकन। तो चलिए, और इतना ज़्यादा मुझे, मतलब फेस देखो कितना ज़्यादा ऑयली लग रहा है। चलो मैं पहले अपना स्किन केयर कर लेती हूँ और उसके बाद ये सारी चीज़ें मतलब खाती हूँ बाद में। तो चलिए अपना स्किन केयर पहले कर लेती हूँ। यार बहुत ज़्यादा ऑयली फेस लग रहा है, और यहाँ पर ना मतलब गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है मुझे, क्योंकि इन्होंने पूरा वो फ्राई करने की वजह से ना पूरा यहाँ पर ये भी नहीं जलाया था पहले, चिमनी भी नहीं लगाई थी, तो अभी मैंने आने के बाद चिमनी का बटन दबाया है। तो चलिए फिर यहाँ पर ये बनाएंगे चिकन फ्राई, और मैं करती हूँ अपना स्किन कर लेती हूँ अपना स्किन केयर। बहुत ज्यादा मुझे ऑयली लग रही है अपनी स्किन, तो इसी वजह से मैं यूज करने वाली हूँ अभी ये गुड वाइब्स का ऑरेंज ब्लॉसम स्किन ब्राइटनिंग फेस वॉश। तो ये ही यूज करने वाली हूँ एक्चुअली, इसे मैंने यूज नहीं किया है अभी तक, और इसका रिजल्ट देखते हैं हम कि कैसा है। मुझे तो मतलब इनके ये जो फेस वॉश होते हैं बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। इससे पहले चारकोल फेस वॉश यूज करती थी, वो भी बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है गुड वाइब्स का। और इसका रिजल्ट देखते हैं अभी ये कैसा है। तो यार स्मेल बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है इसकी, खुशबू ना इसकी बिल्कुल ऑरेंज जैसी, और मुझे ऑरेंज बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे पापा वहां से भेजते हैं ऑरेंज मेरे लिए, उन्हें भी पता है मुझे ऑरेंज बहुत ज्यादा पसंद है, इसी वजह से वो हमेशा ऑरेंज सीजन में मुझे यहाँ पर ऑरेंज कभी नहीं परचेस करना पड़ता है। मेरे पापा वहां से भेजते हैं मेरे मायके से ऑरेंज मेरे लिए यहाँ पे। वाओ, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, और ऑयल तो पूरा ही हटा दिया, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। यार आपको कैसा लग रहा है इसका रिजल्ट मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मुझे तो काफी फ्रेश फील हो रहा है। वाओ, और हाँ अभी 28 अप्रैल तक काफी अच्छे अच्छे सेल चल रहा है, तो आप उस सेल का फायदा उठा सकते हो पर्पल पे। एक्चुअली वहां पर 10,000 लकी विनर को 5,00,000 तक का कैशबैक मिल सकता है, तो इसी वजह से जल्दी से फायदा उठाइए। उसके साथ साथ आपके पर्पल वॉलेट में 1,000 रुपीज पर यूजर्स क्रेडिट भी आ सकता है, तो इसी वजह से जल्दी से इस सेल का फायदा उठाइए और जो भी परचेस करना है आपको परचेस कर लीजिए। और 26 अप्रैल से 27 अप्रैल तक है हेयर स्टेशन सेल, तो आप उस सेल का भी फायदा उठा सकते हो। उसके बाद मैं यूज करने वाली हूँ ये गुड वाइब्स का कुकुम्बर ग्लो टोनर, ये भी मुझे आजकल बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है यार, इससे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, काफी फर्क दिखाई दे रहा है अपने फेस पे, स्मेल भी काफी ज्यादा अच्छी है और ठंडक महसूस होती है मतलब इसको लगाने के बाद। देख सकते हो, इसको एब्जॉर्ब होने दूंगी, उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी
सीरम, तो मैं उसके बाद अप्लाई करने वाली हूँ ये गुड वाइब्स का विटामिन सी एंड B3 सीरम। ये भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। आजकल मैं नाइट को यही वाला सीरम यूज कर रही हूँ, मतलब अप्लाई कर रही हूँ, और मुझे देखो स्किन में फर्क तो आपको ही पता चल रहा होगा। करंटली जो मैं प्रोडक्ट अभी यूज कर रही हूँ ना, वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलिए इसे अप्लाई कर लेती हूँ। स्किन में टोनर एब्जॉर्ब हो गया है। जब स्किन केयर करती हूँ ना, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि चलो यार फाइनली रिलैक्स हो गई हूँ मैं। रात को स्किन केयर करके सोती हूँ ना, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब अगर आप रात को स्किन केयर करके अच्छे से नहीं सोते हो ना, स्किन केयर करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको बहुत हल्का हल्का महसूस होने लगेगा। अच्छे से स्किन केयर करिए, आपकी स्किन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। अभी मैंने सीरम अप्लाई कर लिया है और अभी बारी आती है थोड़ा सा हाथ को मॉइस्चराइज करने की। हाथों पैरों को मॉइस्चराइज कर लेती हूँ। उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये गुड वाइब्स का ब्राइटनिंग बॉडी लोशन, ये वाला, तो ये यूज कर लेती हूँ। सॉरी, इसको मैंने ऑफ करके रखा था। ये अद्विक ना बहुत ज्यादा मतलब जल्दी से प्रोडक्ट वेस्ट कर देता है, इसी वजह से इसको ऑफ करके रखना पड़ता है। ये मैं आजकल इसीलिए यूज कर रही हूँ, टैनिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। ये ब्राइटनिंग वाला है ना, तो काफी अच्छा रहता है और जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, चिपचिपा नहीं लगता है। मेन चिपचिपा नहीं लगता है, इसी वजह से मुझे ये अभी के सीजन में, मतलब समर में, ये अच्छा लग रहा है। चिपचिपा भी नहीं लगता है, बहुत अच्छे से खुशबू आती है। मतलब आप अगर बॉडी पे अप्लाई करते हो तो बहुत अच्छी खुशबू आती है, और उसके बाद आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी रहती है। तो ये वाला आप इस वाले सीजन में अप्लाई कर सकते हो, मतलब यूज कर सकते हो, काफी ज्यादा अच्छा है। रात को अगर ये वाला अप्लाई करके सोते हो ना, बहुत अच्छी स्किन दूसरे दिन देखने के लिए मिलती है आपको। बस यहाँ पर अप्लाई कर लिया है। ये सारे प्रोडक्ट अगर आपको परचेस करने हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अभी परचेस कर सकते हो आप, क्योंकि अभी सेल चल रहा है ना, तो आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा इन सारे प्रोडक्ट पे। तो आप उस सेल का फायदा उठाइए और इन सारे प्रोडक्ट को, मतलब जो भी आपको पसंद आता है, वो प्रोडक्ट आप परचेस कर सकते हो। गाइज, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो, सुबह सुबह इतनी ज्यादा धूप निकल जाती है, मतलब ऐसा लगता है कि और कितने बजे हैं। मैं ऊपर इसलिए आई थी देखने के लिए, कल आ ही नहीं पाई कि क्या क्या हुआ है उसके बाद, मतलब हो जाने के बाद सब कुछ। तो मैं देखने के लिए आ गई थी यहाँ पे, दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या हुआ है। ओह माय गॉड, अभी तो बहुत ज्यादा सुंदर लगने लगी, अभी से इतनी ज्यादा सुंदर लगने लगी है रूम, बाद में कैसे लगेगी। मतलब खाली रूम रहती है ना, तो पता ही नहीं चलता है कि कितने रूम है क्या है। वैसे फर्नीचर बनने के बाद ना क्या हो जाता है कि थोड़ी सी रूम छोटी लगने लगती है, बट
बहुत सुंदर लगने लगती है, तो अभी बहुत अच्छी लग रही है मुझे। चलो आपको दिखा देती हूँ बैक कैमरा से। फाइनली देखो बेड बन गया है मेरा और कितना सुंदर लग रहा है ना, मतलब अभी से रूम इतनी सुंदर लग रही है, बाद में कैसे लगेगी। आपको बेड का दिखा देती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद कि कैसा बना है, मतलब बेड कैसा डिज़ाइन है बेड का, मतलब क्या बोलते हैं, ठीक है बाद में बता दूंगी आपको। और यहाँ पर ये वार्डरोब बनाया है, तो वार्डरोब ये दो डोर का बनाया है उधर से और इधर से, तो इसे डोर भी लग गया है, ऊपर वाले को भी मतलब सज्जा भी पैक हो गया है, सज्जे को भी डोर लग गए हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है अभी, अभी से इतना सुंदर लग रहा है यार रूम मेरा, बाद में बनने के बाद कैसे लगेगा। वैसे क्या होता है कि फर्नीचर बनाने से पहले इतना पता नहीं चलता है, बट फर्नीचर बनाने के बाद थोड़ी सी रूम छोटी लगने लगती है, बट फर्नीचर बनाने के बाद अच्छा लगता है। तो यहाँ पर एक्चुअली ये विंडो नहीं होनी चाहिए थी, मुझे ये विंडो बिल्कुल पसंद नहीं आई, विंडो नहीं होनी चाहिए थी, ये यही विंडो होनी चाहिए थी सिर्फ वेंटिलेशन के लिए। ये विंडो पैक होती ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता, बट ये विंडो बीच में ही आ गई यार। और यहाँ पर मेरा ड्रेसिंग टेबल होने वाला है और यहाँ पर और कुछ बनवाने वाली हूँ मैं, तो वो आप बाद में देख लेना कि क्या क्या बनवाने वाले हैं। अद्वि गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, इकड़े बग, इकड़े बग, ओ माही गुड मॉर्निंग बेटा। हम दोनों भी तीनों भी आ गए, मतलब हम दोनों पहले आ गए थे यहाँ पे, बट अभी अद्विक भी उठ गया है तो अद्विक भी आ गया है यहाँ पे हमारे पीछे पीछे। अद्विक के लोग हम कहाँ चले गए, है ना अद्विक, है ना। अरे मुँह से तो बोलो, ओ अभी अभी शो के उठे हो, माही अद्विक एक मिनट उठो बेटा, ये दिखाना है मुझे। माही थोड़ी सी हेल्प करो ये उठाने में, ये ना कुछ इस तरह से है, ये बॉक्स मतलब हाइड्रोलिक वाला बनवाया है हमने, ये जो क्या बोलते हैं बेड है हमारा। थोड़ी सी उस दिन जो गलती हुई थी ना वो आपको बता देती हूँ, ये जो है ना पार्टीशन, ये मतलब सेम पार्टीशन किया था उन्होंने, जैसे कि यहाँ पर भी सेम जगह, यहाँ पर भी सेम जगह, बट वो मुझे नहीं चाहिए थी, मुझे नहीं पता था। जब मैंने ऊपर आके देखा तब मुझे पता चला कि यार इन्होंने सेम जगह रख दी है, तो फिर मैंने उनको बोला कि मुझे इधर से ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मुझे इधर से मेरी जो पुराने वाले मैट्रेस है वो रखने हैं, और इधर से फिर मेरे जो पार्सल वगैरह रहते हैं या कुछ भी मेरे जो काम की चीज़ें हैं यूट्यूब से रिलेटेड वो रह जाएगी इसमें। इसी वजह से फिर मैंने उनको बोला कि पार्टीशन थोड़ा सा आपको खिसकाना पड़ेगा इधर, तो फिर उन्होंने इधर खिसका दिया और यहाँ पर ये अच्छे से जगह बन गई। तो देखो कितनी धूल और कितनी क्या क्या है, जब अच्छे से सेट करेंगे तब सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से है, ये हाइड्रोलिक वाला है ना, तो थोड़ा सा भी ऊपर खींचते हैं, थोड़ा सा अभी टाइट है बट ऊपर खींचते हैं तो अच्छे से हो जाता है, मतलब जल्दी से ऊपर चला जाता है। अभी देखो अंकल बोल रहे मैट्रेस चाहिए इसके लिए, मैट्रेस इसके ऊपर चाहिए, 100 से ज्यादा वजन चाहिए उसके ऊपर। तो देखो इस तरह से अभी दो शीट लगी है यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब दो नहीं चार, मतलब हाँ चार ही, क्योंकि इन्होंने दो दो लगवाई है यहाँ पे, क्योंकि वो जो हाइड्रोलिक है ना, हाइड्रोलिक ही ना, हाँ उसे थोड़ा सा, उसे ना मेरा फ़ोन भी बज रहा है, उसे थोड़ा सा वेट ज़्यादा चाहिए, इसी वजह से इन्होंने ये दो दो शीटें लगवाई है यहाँ पे यहाँ पे। तो चलो ये तो देख लिया आपने, कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद आपसे। आज खाने में क्या क्या बनाया है वो दिखा देती हूँ आपको, ये है दाल, दाल तड़का, उसके बाद यहाँ पर आम पन्ना है, ये डेली बन रहा है मेरे घर पे, और उसके बाद यहाँ पर है ये भिंडी की सब्जी, और यहाँ पे है ये चावल, और इसमें है रोटी। यहाँ पर भिंडी वैसी ही, मतलब आधी भिंडी की सब्जी बनाई, आधी भिंडी वैसी ही रहती थी, यहाँ पर तड़का है। तो चलिए जल्दी से खाना खा लेते हैं और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। और हाँ इतनी देर से आप लोगों से बातें कर रही थी बट बताना ही भूल गई कि आज यार हमारी एनिवर्सरी है, वेडिंग एनिवर्सरी है आज हमारी, और मैं हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हाँ सेम टू यू। और आज तो आपने स्टेटस देख ही लिया होगा, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है और हम लोग जा रहे हैं मेरे मायके अकोट। कहाँ जा रहे हैं अद्विक हम लोग?
अकोट तो इसलिए रेडी हुई हूँ मैं, और अभी हम लोग थोड़ी देर में निकलने वाला है, तो चलिए पहले खाना खा लेती हूँ और उसके बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से। तो बहुत लेट हो गया है ऑलरेडी, का है और बाद में मिलेंगे आपको अकोट में। अकोट में तो, और हाँ चलिए इसके साथ ही इस ब्लॉग को यही पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि आपको जो नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा ना, अभी से स्टार्ट करूंगी मैं जाने के टाइम पे, तो वो देखने के लिए मिलेगा अकोट का, मतलब मेरे मायके का। तो वो आपको ब्लॉग मायके का देखने के लिए मिलेगा, तो उसके लिए आप वेट करना और वो ब्लॉग शायद कल आ जाएगा आपके लिए। तो चलिए फिर इसके साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके साथ मेरे और दो चैनल है, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इंस्टा जरूर चेक कर लेना एक बार, इंस्टा आपको जरूर पसंद आने वाला है, तो वहां पर भी मुझे फॉलो कर देना। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।